Welcome back to my channel. This is Unnati and I create makeup and fashion related content on YouTube and on Instagram. So if you are into any of these things, then do subscribe this channel and also follow me on my Instagram account because I'm super active there. So guys, this video is all about Nykaa haul. Basically, this is like my very first Nykaa haul. This time I have bought really like cool products. Not इतने सारा भी मैंने शॉपिंग नहीं किया, मैंने बस थोड़ा सा शॉपिंग किया है और मैंने मेनली वो सब चीज़ें ली है जो एक्चुअल में मुझे ज़रूरत थी एंड आई नो कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाऊँगी. या लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद दी हॉल. आई होप यू गाइस एंजॉय दिस हॉल. सो आई डिवाइड दिस वीडियो इन टू कैटेगरीज. स्टार्टिंग में मैं आपको वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो कि ब्रांड ने मुझे भेजे हैं एंड एंड में आई विल शो यू गाइस व्हाट आई हैव एक्चुअली गॉट विथ माय ओन मनी. सो ड्यूरिंग दिस सेल लाइक पिंक सेल, पिंक फ्लुएंस सेल, नहीं हॉट पिंक सेल, पिंक फ्लुएंस सेल, नायका डू सेंड अस सम प्रोडक्ट्स टू ट्राई आउट एंड देन रिव्यू फॉर देम. सो आई हैव रिसीव्ड सम प्रोडक्ट्स. इट वॉज लाइक gifts, like I'm not bound to give like any deliverables to Nykaa or any other brand. So वो लोग बस ऐसे ही as a gift हमें भेजते हैं. So I do have some products which I received in the month of August. So I'll show it to you guys. So basically these are the boxes of Nykaa. But दरों में इतने ज़्यादा products नहीं है, बस दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा products हैं but इतने नहीं हैं. If you guys follow me on my Instagram account then you might have seen some of the product, not the one which I have bought क्योंकि मैंने वो अभी तक डाला भी नहीं स्टोरीज पे. सो लेट मी स्टार्ट विथ दिस बॉक्स. सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम देम इज़ दिस परफ्यूम. ये मेरा सेकेंड बॉटल है. इसका जो फर्स्ट बॉटल था आई ऑलरेडी गिफ्टेड टू वन ऑफ माई फ्रेंड एंड दिस इज़ लाइक उनका नायका का परफ्यूम. आई डोंट नो हाउ इज़ दिस प्रनस. दिस इज़ मोजो दे वेव परफ्यूम फ्रॉम नायका. इसका सेंट, इसका ना मेरे पास ना सैम्पल साइज़ है सो मुझे ऑलरेडी पता है इसका सेंट कैसा है तो इसके लिए मैंने उसको ओपन नहीं किया है बिकॉज आई डिडंट लाइक इट. मुझे नायका नैन पे मिला था सैम्पल साइज़ में छोटू सा और मुझे इसका स्मेल ज़्यादा पसंद नहीं आया. सो आई एम नॉट कीपिंग दिस फॉर माई सेल्फ. आई विल गिफ्ट इट टू one of my friend. So the next thing I have got is this sheet mask from Nykaa Secret. It has pearl hyaluronic acid for glowing moisturized skin. It is made in Korea. I really want to try this out. मैंने पहले भी एक फेस मास्क ट्राई किया था. I don't know वो कौन से ब्रांड से था. So if you guys want you know skin care routine video then do let me know. We'll use this sheet mask for that video. पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो काफ़ी अच्छा लगा है आप लोग को. सो या डू लेट मी नो इफ़ यू गाइज वॉन्ट मोर स्किन रिलेटेड वीडियो बिकॉज आई डोंट डू स्किन केयर रिलेटेड वीडियोज मच. सो या दिस इज द अनदर प्रोडक्ट विच आई गॉट. द नेक्स्ट थिंग इज दिस अगेन फ्रॉम स्किन, नायका स्किन आर एक्स. इट इज़ देयर स्पॉट करेक्टर. इट हैज़ 5% नायसिनामाइड. इट हैज़ जिंक. इट हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लेमिशेज एंड इट इंड्यूसेस इवन स्किन टोन. It is a night moisturizer. It is also for all skin type. I don't know ये मेरे लिए है कि नहीं product because I don't touch wood. I don't have any dark spot or anything on my skin. So I don't think ये मेरे कुछ काम का है. I'll gift it to any one of you guys. So yeah, if you like you know watch my videos regularly then do let me know in the comment section and also if you follow me on my Instagram account and if you you know like my Instagram videos as well then do let me know in the you know DM section of Instagram. I would love to give some of the products to you guys. I would love to give it a try to this shampoo. It is from Nykaa Naturals. It is their anti-frizz shampoo. It has fermented rice, water and bamboo. इसका मुझे सैम्पल भी मिला था नायका लैंड में विच आई हैवन ट्राइड येट बिकॉज आई वॉज लाइक कि वो एकदम छोटा सा ट्रैवल साइज में है ना. सो आई वॉज लाइक कि वेन एवर आई ट्रैवल ना आई टेक इट विथ मी. सो मैंने अभी तक उसको भी यूज़ नहीं किया और अभी तक मैंने इसको भी यूज़ नहीं किया बट आई वुड लव टू गिव इट अ ट्राई टू दिस प्रोडक्ट.
This is from Nykaa Naturals. If you want me to use this and give a review to you guys, then do let me know in the comment section. So yeah, this is another product I have received from them. It is K Beauty Ka lip tint. It is enriched with grapeseed oil plus red raspberry. This is in the shade Tangy. ये काफ़ी प्यारा सा शेड है. इसको मैंने रिसेंटली एक रील में भी यूज़ किया है, लाइक 7 Day 7 लिप कॉम्बो सीरीज़ में. फॉर Day 3 जो लिप टिंट मैंने यूज़ किया है, दिस इज़ दैट लिप टिंट. इसका काफ़ी प्यारा सा टिंट आता है. अगर मैं स्वॉच करूँगी तो टिंट बनाएगा. बट लेट मी शो इट टू यू गाइस. एनीवे, काफ़ी प्यारा सा. इट इज़ नॉट दैट एकदम से रेड, इट लाइक मतलब एक थोड़ा सा पिंकिश टोन में भी जाता है. एकदम मॉवी भी नहीं है ये, और एकदम से एकदम रेड भी नहीं है. सो इट इज़ लाइक इन बिटवीन रेड एंड नॉट इन बिटवीन, मोर टूवर्ड्स रेड साइड. बट या दिस इज़ लाइक क्वाइट प्यारा सा रेड शेड. I'm not that fan of a lip tint, but when I received this, I was like, let me try this. But इसका ना एक problem है, इसका ना काफ़ी weird सा scent आता है. I don't know क्यों, but yeah, this scent is quite weird. पता नहीं इसमें क्या ऐसा क्या add किया हुआ है जिस वजह से ऐसा smell आ रहा है इसका. कोई तो fragrance है जो इन्होंने already डाला है. मुझे बस यही चीज़ नहीं पसंद है इसकी कि the smells really weird. So, yeah, I have removed it, but ये थोड़ा सा अपना ना ये छोड़ जाता है. सो इफ़ यू आर लाइक अ पर्सन जिसको ऐसे लिपस्टिक डेली लगाना नहीं पसंद एंड या दिखाना नहीं पसंद लोगों को कि यू हैव अप्लाइड समथिंग ऑन लिप्स, देन यू कैन जस्ट अप्लाई दिस ऑल ओवर योर लिप. कीप इट फॉर यू नो 2 to 3 minutes एंड देन रिमूव इट कम्प्लीटली, जिससे वो हल्का सा टेंट दिखेगा आपके लिप्स पे. सो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यू हैव अप्लाइड एनीथिंग ऑन योर लिप्स. या इट विल लुक लाइक यू हैव यू नो नेचुरल रेड लिप्स. ओके, सो दिस वॉज अबाउट दिस पैकेज. ये पैकेज ख़त्म हुआ. We'll move on to another package, which is this one. Okay, so इसमें ज़्यादा products नहीं मिले हैं मुझे. I have received only 3 products from Nykaa for, I guess ये Pinkfluence sale का ही gifts था. So the very first thing I have received is this Nykaa SkinRx Illuminate Vitamin C Day Moisturizer. It is their Day Moisturizer. It has vitamin C, it has hyaluronic acid, it enhances skin radiance and it reduces dullness. I haven't used this, but I do have the sample size iska jo mujhe again Nykaa Land mein mila tha, jo maine abhi tak usko use nahi kiya hai. Usme se already 2 to expire ho chuke hai aur 2 bache kuche hai bas. Yeah, I would love to give it a try, but vitamin C are like bahut नो पुराने ज़माने का टाइप्स हो गया है. नोबडी टॉक्स अबाउट विटामिन सी नाउ. जब कोरोना था सब बहुत लोग विटामिन सी करते थे, बट अब नाउ नोबडी टॉक्स अबाउट विटामिन सी. नाउ पीपल आर मोर इनटू यू नो नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड एंड हेलुरोनिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड एवरीथिंग, बट पीपल हैव फॉरगॉट अबाउट विटामिन सी. सो ये आई गेस बड़ा सा डिब्बा है जो मुझे मिला था, छोटा सा डिब्बा है. सो पहले तो मैं छोटे से डिब्बे को यूज़ करूँगी एंड इफ़ आई फेल्ट कि ये अच्छा है तो ही मैं इसको ओपन करूँगी, बिकॉज दिस इज सील्ड पैक. द नेक्स्ट थिंग आई हैव रिसीव इज अगेन अ परफ्यूम. दिस इज़ देयर मोई रेसन डिटर. आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली और नॉट, मुझे पक्का पता है मैं गलत ही प्रोनाउंस कर रही हूँ. बट या दिस इज़ अगेन देयर परफ्यूम इन द मिनी साइज. इसका सेंट भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. आई डिडंट एन्जॉय इट इतना. मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बहुत कम परफ्यूम्स पसंद आते हैं. आई डू एन्जॉय यू नो बाथ एंड बॉडी वर्क्स के परफ्यूम्स, विक्टोरिया सीक्रेट्स वाले परफ्यूम, बट वो भी ओनली सिलेक्टेड वंस. आई डोंट एन्जॉय ऑल ऑफ देम. दिस इज़ लाइक थोड़ा सा पता नहीं, आई गेस थोड़ा सा फ्लावरी है, इसके लिए मुझे पसंद नहीं आ रहा है. आई डोंट एन्जॉय फ्लावरी वाले सेंट्स. मेरा ना एकदम से सर पकड़ लेता है. सो आई डोंट एन्जॉय परफ्यूम्स मच. इसके लिए मेरे पास परफ्यूम का कलेक्शन बहुत ही कम है. बट ड्यूरिंग दिस फ्लिपकार्ट वाला इवेंट आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स. सो उसमें से मुझे थोड़े थोड़े अच्छे लगे जो मैंने रखे हैं अपने पास, और बाकी सब तो आई एम गोइंग टू गिफ्ट टू माई फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर. ओके, दिस हैज़ अल्कोहल. सो इफ़ यू आर लाइक
अगर आपको अल्कोहल वाले परफ्यूम्स नहीं पसंद दैन दिस इज़ नॉट फॉर यू गाइस. इट हैज़ वेनिला, इट हैज़ रोज़. आई गेस रोज़ की वजह से मुझे नहीं पसंद आ रहा है. सो इससे इतना पता चला कि इसमें रोज़ है, इसमें वेनिला है, इसमें मस्क है. आई डोंट नो व्हाट इज़ मस्क, बट या ये सब का कॉम्बिनेशन बना के ये परफ्यूम बना है. आई वुड लव टू मेंशन ऑल द प्रोडक्ट्स का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको इनमें से कुछ भी खरीदना हो देन यू कैन यू नो चेक माई डिस्क्रिप्शन. आपको वहाँ पे लिंक सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मिल जाएंगे. एंड वेलकम टू माई फेवरेट थिंग. दिस इज़ लाइक माई फेवरेट थिंग फ्रॉम दिस PR or gift or whatever you want to say from Nykaa. Yeeska scent, I just loving it. Isme strawberries and champagne hai. It is a shower gel actually. It is Nykaa ka Wanderlust Dreaming of Paris shower gel. It has fine fragrance of champagne and berries. Mainly strawberries ka scent hai isme. But yeah, it smells like so amazing. ये अभी it retails for 399 rupees, but ये Pinkfluence पे ना 350 का मिल रहा था. So मैंने story पे नहीं, हाँ मेरे broadcast channel पे मैंने डाला था Instagram पे. So if you want like you know this kind of discounts जो sale में होते हैं, I keep checking on my Nykaa कुछ discount हो तो, and then I share it on my you know broadcast channel. So if you like really are interested in you know discounted सेल्स देन या डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन करना. उसमें मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सेल्स रिलेटेड यू नो चीज़ें डालती रहती हूँ. एंड इनमें से एक ना ये चीज़ थी, मैंने लाइक ये मुझे काफ़ी दिन पहले ही मिला है. इट्स बीन अ वीक और इसको मैंने एक दो बार यूज़ किया है एंड आई बिकेम अ फैन ऑफ दिस सेंट. अगर इसमें ये सेंट में अगर कुछ और भी रहेगा देन आई वुड लव टू यू नो ट्राई आउट. हालाँकि ये शॉवर जेल है. मैंने ना काफ़ी शॉवर जेल्स ट्राई किए हैं जिनमें ना मतलब आफ्टर टेकिंग अ बाथ वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग करते हैं, बट मैं मुझे ना इसमें से ऐसा लगा नहीं. इट्स लाइक कि एक घंटे में ही ना वो एकदम फुर हो जाता है. सो आई डोंट नो लाइक कि ये ऐसा ही है कि आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. बट या आई वुड लव कि इसका सेंट ना और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो. इफ़ यू लव शैम्पेन एंड स्ट्रॉबेरीज देन यू वांट टू लव द स्मेल ऑफ दिस. काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होता है आफ्टर हैविंग अ बाथ यू नो. सो गाइज वी आर लेफ्ट विथ द टू बॉक्सेस. सबसे पहले ये खोल देते क्योंकि इसमें एक ही प्रोडक्ट है. आई रियली फील बैड जब यू नो एक प्रोडक्ट के लिए उनको पूरा ये करना पड़ता है. बस ये एक प्रोडक्ट अलग से डिलीवर हुआ. आई हैव ऑर्डर्ड 5 things एंड उसमें से 4 products अलग से आए हैं एंड 1 product अलग से आया विच इज़ दिस वन. बेचारे बस एक प्रोडक्ट के लिए कितना मगजमारी करना पड़ता है. सो गाइज दिस इज़ द थिंग विच आई हैव गॉट विथ माई ओन मनी. इसको मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है. दिस इज़ आदर आई शेडो का पैलेट. आई रियली लव टू यूज़ यू नो दिस काइंड ऑफ आई शेडो पैलेट. ओ वाओ ASMR आया क्या? ओके सो दिस इज द पैलेट. काफ़ी प्रिटी लगा मुझे. आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉल्ड. दिस इज Nykaa का आई कलर पैलेट इन द शेड सनसेट स्ट्रोल. इसमें काफ़ी लाइक पीच कलर के शेड्स है, मतलब ब्राउनिश वॉर्म ब्राउन और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. इसमें 2 matte shades है एंड 2 shimmer shades है. आई थॉट कि ये तीन मैट रहेंगे एंड 1 shimmer रहेगा, बट इसमें 2 matte है एंड 2 shimmer है. शुड आई स्वॉच इट? ओके स्वॉच कर ही लेते हैं. ओह फील सो बटरी. This is like my very first purchase from Nykaa. उनके मतलब आई शेडो में मैंने कभी आई शेडो नहीं ख़रीदा वहाँ से. ओकेश नॉट दैट ग्रेट, मतलब इतना भी पिगमेंटेशन नहीं है. शीमो शेड्स आर गुड दो. मेरे ख्याल से वो वैसे भी इतने लाइट है, दे आर नॉट दैट डार्क शेड्स. सो मेरे ख्याल से उस वजह से तो दे आर लाइक ओके.
बट या आई विश दे वर लाइक मोर पिगमेंटेड, ज़्यादा थोड़ा सा पिगमेंट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता था. दिस रिटेल्स फॉर रुपीज, मैं ना मुझे जितने में पड़ा लाइक ट्राई टू प्लेस इट एनी वेयर स्क्रीन पे कि मुझे प्रोडक्ट कितने का पड़ा है. दिस रिटेल्स फॉर आई गेस टू नाइन्टी नाइन और समथिंग 350 और 299 में कुछ तो उसका MRP है. लेट मी सी, या 375 का इसका MRP है एंड ये हमेशा डिस्काउंट में रहता है. एंड आई वॉज आइंग फॉर दिस सिंस दे हैव लॉन्च, क्योंकि मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदना ज़्यादा पसंद है बिकॉज दे आर लाइक ईजी टू ट्रैवल विद और इतना मगजमारी भी नहीं रहता है, मतलब कंफ्यूज नहीं होते हो कि अरे क्या लगाऊँ क्या लगाऊँ क्या लगाऊँ. आपको पता है यू हैव जस्ट 4 कलर्स टू वर्क विद. सो या दिस इज़ द वेरी फर्स्ट परचेज आई मेड ऑन नायका ड्यूरिंग देयर नायका पिंक फ्लुएंस सेल एंड या आई एम सो इन लव विद दिस. सो द नेक्स्ट थिंग आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम नायका सेल, मैं मेरे बेस्ट प्रोडक्ट एकदम एंड में बताऊँगी आप लोग को. ओके, सो अनदर थिंग आई हैव गॉट इज दिस प्राइमर. दिस इज इन मिनी साइज, मैंने फुल साइज लिया भी नहीं बिकॉज मुझे पता है कि इतना प्रोडक्ट इज इनफ. फुल साइज लेके फिर वो डस्टबिन में ही जाता है, सो देर वॉज नो पॉइंट ऑफ बाइंग फुल साइज वाला प्रोडक्ट. बट इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो खाली है, बस इतनों सा ही भरा हुआ है. लेट मी सी इफ इट इज सील और नॉट. प्रोडक्ट तो सील्ड है. ओके, आई एम नॉट ओपनिंग दिस. आई गेस पता नहीं डिफेक्टिव पीस है, आई डोंट नो. बट या मतलब आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट, बट ये इतना ना खाली है. ओके, एंड बस ये इतना ही भरा हुआ है. सो आई गेस आई नीड टू चेक ये कितना ML का प्रोडक्ट है. ओके, लेट इट बी, विल फिगर दिस आउट लेटर. बट या दिस इज़ द अनदर थिंग आई गॉट फ्रॉम नायका. इट इज़ देयर प्रेप मी अप फेस प्राइमर. It tones plus soothes plus perfect your skin. This is also like a kind of product जो you know बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग तारीफ करते हैं. I have heard many good things about this product from other bloggers. So I would love to give it a try to this one. I got this in the mini size. I guess मुझे 179 या इतना कुछ में पड़ा है. मैंने बड़ा बड़ा product इसके लिए नहीं लिया because I don't think कि वो पूरा use भी हो पाता था, क्योंकि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ फेस प्राइमर्स. आई डोंट यूज़ मच ऑफ फेस प्राइमर. सो या दिस इज़ द अनदर परचेज. नेक्स्ट परचेज इज दिस काजल, कोल स्टार काजल फ्रॉम के ब्यूटी. मेरे जितने भी काजल्स थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं एंड आई रियली नीडेड अ न्यू वन. सो आई ऑर्डर दिस फ्रॉम नायका. It is in the shade Spade. ये एकदम jet black वाला है. It is 24 hour lasting, transfer proof, smudge proof. It is enriched with chamomile and ceramide. So this is how the product looks. Let me open this. मैंने अभी तक इसको use भी नहीं किया because I really wanted to make the video. Oops. मैंने ना बकवास की shopping बिल्कुल नहीं की है. Out. Finally, this is how the product looks. K Beauty ka packaging is like really nice one. It's like top notch packaging. This is their kajal. Iska pigmentation is like really nice one. It has matte finishing. It is smudgeable, but I guess ये एक बार set होने के बाद it will not smudge. हम लोग ना इस एक और थोड़ा सा करके रखते हैं just to check if it is actually smudge proof or मतलब you know starting में
थोड़ा सा समझ हो गए, बिकॉज अभी ना ऐसा इट इज़ लाइक अ ट्रेंड टू अप्लाई अ लाइनर एंड देन स्मज इट अ लिटल, जो इससे थोड़ा सा स्मोकी लुक आएगा विदाउट एनी आई शेडो और एनीथिंग. सो आई गेस दिस इज़ दैट काइंड ऑफ यू नो कोल पेंस. इफ यू लाइक कोल आईज एंड आई गेस दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू परचेज. सो आई गेस इट्स ओ येस येस नाउ इट इज नॉट स्मजिंग आउट. सो मतलब ये वैसा ही है, वंस इट इज़ सेट इट विल नॉट बच. सो इफ़ यू लाइक कोल आइज देन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू गाइज. ये आई गेस डिस्काउंट पे था 250 या 290 के अराउंड ये मुझे पड़ा है, विच इज़ रियली नाइस डील, क्योंकि के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, ख़रीदना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट या 295 फॉर अ काजल पेंसिल इज़ लाइक ओके ईश. ओके गाइस, सो हियर इज़ द सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट आई गॉट फ्रॉम नायका, विच इज़ देयर लिप ऑयल. दिस इज़ नायका का लिप ग्लेज लिप ऑयल इन द शेड रास्बेरी गनैश. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. पीपल आर क्रेजी फॉर दिस प्रोडक्ट गाइज. आई नो आई डोंट नो वाई, बट लिप ऑयल्स आर लाइक न्यू ट्रेंड्स एंड मुझे काफ़ी टाइम से खरीदना था, बट आई वॉज लुकिंग फॉर द राइट टाइम. और ये पिंकफ्लुएंस पे 10% डिस्काउंट पे भी था, सो आई रियली गॉट अ नाइस डील ड्यूरिंग पिंकफ्लुएंस सेल. ये मुझे आई गेस 550 या 500, आई गेस 500 के अराउंड पड़ा है. दिस छोटू सा बॉटल वॉज फॉर 500 रुपीज़ एंड दिस इज़ हाउ दिस बॉटल लुक्स. इतनी सी बॉटल 500 रुपीज़ की है गाइज, बट आई डू हैव चैपे लिप्स एंड आई होप दिस यू नो वर्क्स फॉर मी. मैं दो तीन बार उसको यूज़ कर चुकी हूँ एंड आई रियली वॉन्ट टू मेक अ रियली गुड रिव्यू वीडियो फॉर दिस सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग फ्लैक्स करें इसके बारे में. सो आई थिंक ये अच्छा वर्क करना भी चाहिए. सो सबसे पहले तो इसका कंसिस्टेंसी इज़ रियली थिक एंड आई गेस लिप ऑयल्स के कंसिस्टेंसी वैसे ही होने चाहिए. लेट मी शो यू हाउ दिस लुक्स. ये काफ़ी प्रिटी शेड है. आई एम सो इन लव विद दिस प्रोडक्ट. आई डोंट एन्जॉय लिप ग्लॉस ऑन माई लिप्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने इसको एक दो बार ही यूज़ किया है एंड ये मुझे काफ़ी कम्फर्टेबल लगा है लिप्स पे, विच इज़ लाइक रियली नाइस थिंग. सो या अगर आप लोग खरीदना चाहते हो, लेट मी ट्राई दिस फॉर मोर लाइक 2-3 टाइम्स एंड देन आई विल गिव माई ऑनेस्ट रिव्यू विद यू गाइज. बट या आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस प्रोडक्ट आउट. इसके लिए मैंने प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊँगी और आपसे शेयर करूँगी कि इसमें आई गेस इसका MRP इज़ अराउंड 650 और समथिंग. लेट मी चेक इट. सॉरी 599 इसका MRP है एंड ये पहली बार डिस्काउंट में गया है और ये मुझे आई गेस 500 में मिला. बट स्टिल 600 रुपीज़ फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, आई विल लेट यू नो सून. बट या इसका पैकेजिंग इज़ क्वाइट लग्जरी. इस पर ना एकदम ऐसे क्रोमा में ऐसे एम्बोसिंग किया हुआ है लिप ग्लेज करके. इसका पैकेजिंग इज़ क्वाइट लाइक डुओ क्रोम टाइप का इसका पैकेजिंग है, विच इज़ लाइक टॉप नॉच. मुझे काफ़ी टाइम से लिप ऑयल्स ट्राई करना था. आई वॉज लाइक लुकिंग फॉर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स एज वेल, बट जब नायका वालों ने ये लॉन्च किया आई वॉज लाइक आई रियली नीड टू हैड टू गिव इट अ ट्राई. बट या ये काफ़ी महंगा था. ओके सो वी आर नाउ लेफ्ट फॉर द लास्ट प्रोडक्ट एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू मेक यू लाइक क्रेजी बिकॉज इट इज़ द मोस्ट वायरल प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट. दिस इज़ लाइक इंटरनेट का सेंसेशन है ये प्रोडक्ट. दिस इज़ टिप्सी ब्यूटी का सिल्क कुशन ब्लश. इट इज़ लाइक ये शार्लेट टिलबरी का ट्यूब जैसा ही बोल दो इसको, क्योंकि ये लाइक लुक वाइज तो पूरा शार्लेट टिलबरी के जैसा ही है ये. बट या लुक एट द पैकेजिंग इज़ लाइक ये सबसे महंगा पड़ा है मुझे ये सारे चीज़ों में. एंड मतलब बस ये एक प्रोडक्ट मुझे आई गेस 900 या उतना कुछ का पड़ा है. द MRP इज़ लाइक 1200 रुपीज़ और ये नायका पे 1080 पे कुछ तो मिल रहा था और मैंने कूपन कोड ऐड किया. संडे का ये था सेल था. संडे में अलग से दे वर प्रोवाइडिंग लाइक 20% ऑफ, तो उसमें मुझे ये और सस्ता पड़ा. बट या जस्ट लुक एट द पैकेजिंग.
काफ़ी शीक है, काफ़ी लग्जूरियस है. मतलब या आई नो वी कांट अफोर्ड शार्लेट टिलबरी का 4-5 हज़ार का ब्लश, बट या वी कैन डेफिनेटली ट्राई टू यू नो, इसी से हम लोग खुश हो जाते हैं टिप्सी ब्यूटी के प्रोडक्ट से. बट या पीपल आर ऑल्सो लाइक यू नो टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट कि काफ़ी अच्छा है, दे आर ऑल्सो लाइक रेविंग अबाउट दिस प्रोडक्ट. और ये एकदम इसने एकदम सेंसेशन मचा दिया शार्लेट टिलबरी के एकदम कॉम्पिटिशन में. जैसे आ गया ये काफ़ी मतलब अच्छा क्वालिटी है ऐसा लोग बोल रहे हैं. आई हैवन ट्राइड इट येट बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ गुड वीडियो इसका एंड देन आई विल. अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है एज़ यू कैन सी. यहाँ पे ना एक अलग से ऐसा ओपन और क्लोज करने का अलग से उन्होंने यहाँ पे ये दिया हुआ है कुछ, तो इसका बटन है उसको करने के बाद यू आर सपोज टू ओपन इट. मैं अभी इसको आपको नहीं बताऊँगी. आई विल मेक अनदर वीडियो ऑफ दिस प्रोडक्ट ओनली एंड देन आई विल शो यू दिस. आई हैव बॉट इट इन द शेड बुकेट ऑफ रोजेस. ये मेरे ख्याल से यू नो पीच और पिंक पीच काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन वाला शेड होगा. दिस इज़ लाइक दिस इज़ द शेड. काफ़ी मूवी है शायद से. आई एम प्लानिंग टू मेक अनदर वीडियो फॉर दिस सिंगल प्रोडक्ट और तब मैं आपको बताऊँगी कि इसका शेड कैसा है एंड क्या ये वर्थ है कि नहीं. बिकॉज दिस इज़ द लाइक मतलब It is still a pricey one because 1,000 rupees for just a single blush is like too pricey. But yeah, मेरे पास almost मेरे blushes ख़त्म हो रहे हैं और expired हो चुके हैं और फिर भी मैं काफ़ी टाइम तो मैंने बहुत extend करके मैंने उनको चला लिया. But now I was like I need a you know new blush with me क्योंकि एक ही प्रोडक्ट मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही थी. मतलब एक ही मेरा कुछ ऐसे सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स है जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ. मैं कभी न्यू प्रोडक्ट्स एक्सपेरिमेंट नहीं करती, मतलब आई डोंट ट्राई न्यू प्रोडक्ट्स मच. बट या आई हैड टू गिव इट अ ट्राई टू दिस वन बिकॉज दिस इज़ लाइक एवरी वंस फेवरेट नाउ. या दिस इज़ द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ टूडेज हॉल. आई होप यू गाइज एन्जॉय इट एंड आई होप यू लव इट. ऑल द प्रोडक्ट लिंक्स विल बी मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू हैव अ लुक गाइज. एंड या आई होप यू ऑल एन्जॉय दिस वीडियो एंड इफ यू डू दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो या विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अप टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.